नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 मई 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू प्लस पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूं। कुछ दिनों से कंफ्यूजन है, एक्चुअली जो पीडीएफ है वो कोई और अपलोड करता है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उसने पीडीएफ को अपलोड नहीं किया है onlyist.com पे। तो आप एक काम कीजिएगा, पिछले 4-5 दिनों की जो पीडीएफ अपलोड नहीं हुई हैं वो तो अपलोड हो जाएंगी, लेकिन आज से ही आप onlyist.com पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सारी की सारी। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और एक बात आप और बताइए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को, वो 2019 के लिए तैयारी कर रहे हो ना? आप एक काम कीजिएगा, जो लोग 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग 2018 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। क्योंकि देखो, 2018 में सीरियस अटेम्प्ट लेने वालों को अब वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर अब बन चुका होगा। मई के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे 2018 के अटेम्प्ट में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। तो जो लोग सीरियस हैं 2019 के लिए, वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 2018 में जो लोग सीरियस अटेम्प्ट देने वाले हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैट कोक के बारे में है। बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज क्रूड ऑयल? काफी बार आपने इस वर्ड को सुना होगा। क्रूड ऑयल का सिंपल मतलब है क्या? सिंपल मतलब है अनरिफाइंड पेट्रोलियम। तो फिर रिफाइनिंग का क्या मतलब है, मतलब अनरिफाइंड का क्या मतलब है? देखो, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन्स काफी भारी होते हैं, यानी हैवी होते हैं, और कुछ हाइड्रोकार्बन्स काफी हल्के भी होते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अलग अलग करना जरूरी है, ताकि उन हाइड्रोकार्बन्स को यूज किया जा सके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। मतलब कि फिर से बोलता हूं, क्रूड ऑयल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है तो कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं? तो ये लिस्ट है पूरी, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग ऑपरेशंस के दौरान कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गैसोलीन, हीटिंग ऑयल या फिर डीजल फ्यूल, केरोसिन, कोक, हैवी फ्यूल ऑयल, लिक्विफाइड रिफाइनरी गैसेज, स्टील गैस, एस्फाल्ट, पेट्रोकेमिकल, फीड स्टॉक, लुब्रिकेंट्स, केरोसिन, अदर्स। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 4-5 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और आपको ये बताना होगा इनमें से कौन सा आइटम जो है वो क्रूड ऑयल का बायो प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। फिलहाल हमारे आर्टिकल का फोकस है पैट कोक। पैट कोक में एनर्जी कंटेंट काफी ज्यादा होता है, यानी कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है पैट कोक की सहायता से, लेकिन पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। हार्मफुल गैसेस एमिट होती है जब पेटकोक को यूज किया जाता है एनर्जी पर्पजेज के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिया था कि आप विचार कीजिए कैसे पेट्रोलियम कोक या फिर पेटकोक पे बैन लगाया जा सकता है। और अभी कंटेक्स्ट ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहती है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पैट कोक पे बैन लगा दिया जाए और हमारे देश की हवा को क्लीन किया जाए। यहां पे देखिए, आगे लिखा गया है कि कोल से ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है पैट कोक में। यूपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है पैट कोक का, इसीलिए गवर्नमेंट विचार कर रही है कि लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशंस दे दी जाए। ये दो इंडस्ट्रीज पैट कोक यानी पेट्रोलियम कोक को यूज कर सकेंगी, लेकिन बाकी जगह पे बैन लगा दिया जाए पेट्रोलियम कोक के यूज करने पे। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है कि अभी हमारे देश में आधे से ज्यादा जो पैट कोक यूज होता है उसे इंपोर्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारे देश में फिलहाल 27 मिलियन टन जो पैट कोक है उसे इंपोर्ट किया जाता है यूएसए से। बिगेस्ट कंज्यूमर है पैट कोक का इंडिया, ये भी आप बात याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल प्रोपेलेंट के बारे में है। आप मुझे एक बात बताइए कि प्रोपेलेंट का मतलब क्या है? प्रोपेलेंट का मतलब है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी चीज को, फॉर एग्जांपल व्हीकल को या फिर रॉकेट को प्रोपेल करता है, मतलब कि
आगे बढ़ाता है। देखो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, किस प्रिंसिपल पे रॉकेट ऊपर जाता है? आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक एक्शन पे इक्वली रिएक्शन होता है। तो रॉकेट के जो नीचे है वो प्रोपेलेंट होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है। जब इस केमिकल सब्सटेंस को जलाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से, तो बहुत सारी जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस नीचे निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो लगाओ अब न्यूटन का थर्ड लॉ, इस एक्शन के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ऊपर की साइड गैसेस नीचे की साइड निकल रही हैं तो रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और रॉकेट मूव करने लगेगा। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट समझा कैसे रॉकेट मूव करता है। अब देखो पिछले 60 सालों से इसरो जिस प्रोपेलेंट का इस्तेमाल कर रही है रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए, उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोपेलेंट की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये एडवांटेज है। लेकिन काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं हाइड्रोजन प्रोपेलेंट के। सबसे बड़ी बात, ये टॉक्सिक है, काफ़ी तरह की बीमारियां हो सकती हैं हाइड्रोजन से, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करना या फिर हैंडल करना, ये सब चीज़ें हाइड्रोजन के साथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से इसरो ने अब एक नए तरह के प्रोपेलेंट को बनाया है। वो प्रोपेलेंट उतनी ही परफॉर्मेंस देगा जितना कि हाइड्रोजन देता है, लेकिन जो प्रोपेलेंट अब इसरो के द्वारा बनाया गया है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, यानी उस प्रोपेलेंट को मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करना और हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। नाम क्या है उस प्रोपेलेंट का? नाम है HAN, यानी हाइड्रोक्सी लेमोनियम नाइट्रेट। ये एक मोनोप्रोपेलेंट है। देखो मोनोप्रोपेलेंट्स वो प्रोपेलेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजर के बिना ही काम कर सकते हैं। आमतौर पे आपको पता है, जैसा हमने डिस्कस किया था इस आर्टिकल के शुरुआत में, प्रोपेलेंट्स को जलाने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जलाते हैं प्रोपेलेंट को, गैसेस निकलती हैं नीचे की तरफ, एक्शन क्रिएट होता है, बदले में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट होता है ऊपर की तरफ, जो कि रॉकेट को आगे मूव करता है। लेकिन मोनोप्रोपेलेंट्स खुद से काम कर सकते हैं बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से। तो HAN यानी हाइड्रोक्सी लेमोनियम नाइट्रेट मोनोप्रोपेलेंट है। अगर UPSC पूछती है, क्वेश्चन देखो काफी तरीके से पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर हाइड्रोक्सी लेमोनियम नाइट्रेट कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था, UPSC यूं पूछ सकती है, ये क्या है, रॉकेट का फ्यूल है, प्रोपेलेंट है, कोई मिसाइल है, क्या है ये? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन के बारे में भी और HAN यानी हाइड्रोक्सी लेमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी। आगे एक पिक्चर है, इस पिक्चर में भी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल BGIR यानी बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक के बारे में है। नोएडा में है ये बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो यही है कि हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने आधारशिला रखी, इस बोटेनिक गार्डन को एक्सपेंड किया जा रहा है और अपग्रेड भी किया जा रहा है, ताकि इस बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक में प्लांट की जो स्पीसीज हैं उनको कलेक्ट किया जा सके, उन पर रिसर्च की जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके इन प्लांट स्पीसीज के बारे में, इन्वायरमेंट एजुकेशन को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। मकसद ये है कि इस बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, यहाँ पे रेयर, इंडेंजर्ड और जो थ्रेटन्ड प्लांट स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करके रखा जाए। तो नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस बोटेनिक गार्डन में जीन बैंक होगा, सीड बैंक होगा, हर्बेरियम यूनिट होगी, आर्किड हाउस होगा, कैक्टस हाउस होगा। नीचे ये भी बताया हुआ है कितनी प्लांट स्पीसीज हैं, ये सब नंबर्स इंपोर्टेंट नहीं हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आनंदीबाई गोपाल राव जोशी के बारे में है। पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, ये इंडिया की फर्स्ट वुमन डॉक्टर हैं। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र में। 9 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी गोपाल राव जोशी से। तो गोपाल राव जोशी जो इनके हस्बैंड थे, उन्होंने आनंदी बाई की एजुकेशन को सपोर्ट किया, इनको एंकरेज किया कि आप अपनी एजुकेशन को परस्यू कीजिए। तो उस समय आनंदी बाई जोशी इंडिया से, केई ओकामी जापान से और तबत एम इस्लाम बुली ओटोमन सीरिया से, ये तीनों महिलाएं गई अमेरिका के यानी USA के पेंसिल्वेनिया में, और तीनों महिलाएं अपने अपने देश की पहली महिला डॉक्टर बनी। तो याद रखिएगा, अगर UPSC पूछे कि आनंदी बाई गोपाल राव जोशी किस लिए फेमस थी, वो इंडिया की पहली वुमन डॉक्टर थी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कांगड़ा फोर्ट के बारे में है। कांगड़ा का किला यानी कांगड़ा का फोर्ट
हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला सिटी से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर है। बाणगंगा और माझी रिवर्स के बीच में एक लैंड स्ट्रिप है, यानी लैंड की पट्टी है, और वहीं पे है ये कांगड़ा का फोर्ट। पहले इसे नागरकोट या फिर फोर्ट ऑफ द सिटी या फिर कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता था। इसे बनवाया गया था राजपूत की रॉयल फैमिली ने। कटोच डायनेस्टी के से राजपूत की जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने इस कांगड़ा फोर्ट को बनवाया था। देखो इस फोर्ट में, इस किले में जो सबसे ऊपर का स्थान है वहाँ पर पैलेस कोर्टयार्ड है, यानी राजा की कोर्ट लगती थी, और उस पैलेस कोर्टयार्ड से ठीक नीचे तीन मंदिर हैं। पत्थर को काट के ये तीन मंदिर बनाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, अंबिका देवी का मंदिर और जैन टेम्पल। तो अगर यूपीएससी पूछती है कांगड़ा फोर्ट के बारे में तो आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। यूपीएससी ये पूछ सकती है किसके द्वारा इसे बनवाया गया था, जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको किन के द्वारा बनवाया गया था, चंदेलों ने बनवाया था। तो कांगड़ा फोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है किन्होंने बनवाया था, राजपूत फैमिली, कटोच डायनेस्टी की राजपूत फैमिली ने इस कांगड़ा फोर्ट को बनवाया था। कहाँ पे है कांगड़ा, तो फेमस है, आपको याद रह ही जाएगा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने कांगड़ा फोर्ट को डिस्कस किया, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी को हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पैट कोक को, उसके बाद हमने ग्रीन अल्टरनेटिव मतलब हाइड्रोजन का इस्तेमाल अभी इसरो करता है और पिछले 60 सालों से कर रहा है। हाइड्रोजन के अल्टरनेटिव में HAN यानी हाइड्रोक्सी लेमोनियम नाइट्रोरेट को डेवलप किया है इसरो ने, ताकि इसको प्रोपेलेंट को प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जा सके, ये मोनोप्रोपेलेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।